देखो ये वीवो का Y81 है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि बैटरी बदल दी है बंदे ने, चार्जिंग डिटेक्ट नहीं हो रही है। हेलो, यस सर। डीसी पे ऑन हो रहा है सेट, डीसी पे ऑन हो रहा है पर चार्जिंग नहीं, मतलब कुछ भी लगाओ तो एम्पियर जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है? जीरो। तो हम इसको बनाने से पहले आओ उसको थोड़ा सा देखते हैं। सर्किट लाओ, पेन लेके आओ। इसको कौन कौन बना सकता है जल्दी बताओ। हेलो, आप में से कौन कौन बना सकता है इसको चार्जिंग का? जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे कौन कौन बना सकता है इसको? हेलो, सब बना सकते हैं भाई, और शाम की क्लास लेने के बाद तो वैसे ही बना सकते हैं ना। यस सर। जितना भी पढ़े हैं उसके बाद में प्रैक्टिकल क्लास हो रही है ना हमारी। हेलो, यस सर। देखो तो इस सेट में, इस सेट के अंदर क्या सीन है, सबसे पहले तो हमें सीपीयू देखना है। ये सीपीयू किसका है जल्दी बताओ? एमटीके का सीपीयू है। हेलो, इस सीपीयू के अंदर क्या है कि हम बीबस लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बीबस। हमें देखना है ये डिटेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है जल्दी बताओ। मीडिया टेक के अंदर जैसे कि मैंने बोला डिटेक्शन हमारा एक ही लाइन करता है, VCDT। बोलो, VCDT। सबसे पहले VCDT को चेक करेंगे, चार्जिंग एलईडी इसलिए नहीं क्योंकि उसमें एरर तो आ ही जाता है एटलीस्ट, तो हमें ये चेक करना है। इसका क्या चेक करना है चलिए बताओ। 98% प्रॉब्लम इसी में जाती है। सो बीबस क्या करता है कि पावर आईसी के अंदर, बोलो पावर आईसी के अंदर, जैसे इसके अंदर लगी है MD6357CRV और ये इसकी मेन पावर है और ये आपका सीसी हो गया बीबस। सो बीबस क्या है, पावर आईसी के अंदर घुसना चाहता है, वो डायरेक्ट नहीं घुसेगा। यहाँ पर भी क्या लगेगा, एक R1 और यहाँ पर भी क्या लगेगा, R2 और उसके साथ यहाँ पर वो घुसेगा, क्या घुसेगा चलिए बताओ। तो R1 की वैल्यू 330 के होती है, कितना होती है 330, और ये तकरीबन आपका 30 के 40 के, क्यों 30 से 90 के, 30 से 90 अभी देख लेंगे कितना भी के है, ये 39 के होती है, कितना होती है 39 के। और यहाँ पर जो वोल्टेज बनते हैं वो वोल्टेज हमें बनने चाहिए 0.5, बोलो 0.7 और 0.9। अगर ये वोल्टेज नहीं बने तो चार्जिंग कभी भी डिटेक्ट होगा नहीं। तो अभी हमें भी ये लग रहा है पर क्योंकि ये वीवो है इसका तो डायग्राम ही नहीं होता है। हेलो, फिर भी हम इसका बोर्नियो फिर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हार्डवेयर सोल्यूशन में VCDT का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आओ इसको बनाए, आइए आओ सलमान। तो सलमान बैठो, देखो सलमान सबसे पहले चार्जर लगाओ और दिखाओ इसमें कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक मिनट अनिल, ये मोबाइल तो पकड़ ले दो मिनट, अनिल जरा वहां पे चार्जिंग एम्पियर दिखाओ ऊपर। तो चार्जिंग एम्पियर दिखाना है तो देखो, और चार्जर लगाएंगे और देखेंगे कि कितना चार्ज डिटेक्ट कर रहा है, कोई लोगो आ रहा है, कुछ भी हरकत हो रही है। तो वहां पर दिखाईगा जो जूम करके, यहाँ पर ये हटा लो पहले से जो लगा हुआ है, एक मिनट यार ये हटाओ, जितके क्या लगा हुआ है निकालो, ये जीरो जीरो करो सारे। हाँ बढ़िया, अब सलमान लगाओ और डिस्प्ले भी देखो कि डिस्प्ले पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिस्प्ले भी देखो। देखो ना वहां पर कुछ आ रहा है ना डिस्प्ले में कुछ आ रहा है। हेलो, मतलब इसको कहते हैं नो डिटेक्शन, बोलो नो डिटेक्शन, और फोन पूरा ऑन है डीसी मशीन से। हेलो, यस सर। तो ये है मीडिया टेक का। कॉलकम का होता तो अपन CC1 CC2 होता तो वो चेक करते। हेलो, नहीं तो पावर गुड, पावर गुड क्या चेक करते, पावर गुड, पावर गुड, और BPH तो चेक कर ही लेते कि BPH बन रहा है कि नहीं। तो अब निकालो चार्जर से, अब अपन इसमें क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर चार्जिंग आईसी को काउंटर करते हैं, PCB निकालो। ठीक है, ऐसे अभी ऐसे देखो, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये इसका मेन पावर है और यहाँ पे जो इसकी चार्जिंग आईसी है वो ये आईसी है, ये BQ है। हेलो, BQ चार्जिंग आईसी है, बॉल वाली 20 बॉल का सर्किट आता है इसका, कितने बॉल का 20 बॉल का। ये इसका OBP आईसी है आपका 12 बॉल का। हेलो, और ये आपका BQ आईसी है। सबसे पहले अपन चार्जर लगाइए, सलमान चार्जर लगाओ। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि क्या BPH बन रहा है कि नहीं। तो मीडिया टेक के अंदर मैंने आपको ये बोला कि सिर्फ BBAT देख ले। हेलो, अगर BBAT बन रहा है, क्या बन रहा है, तो इसका मतलब ये आईसी पूरी ओके है। हेलो सलमान, चेक करो यहाँ पर ये वोल्टेज आ रहा है। हाँ, नीचे कर लो, अभी हटा लो, नीचे कर लो इसको। देखो आप सलमान चार्जर लगाओ, सबसे पहले यहाँ पर चेक करो यहाँ पर पूरा BBAT बन रहा है कि नहीं।
यहां पर बी बैट पे वोल्टेज आ रहे कि नहीं आ रहे। सो देखो 3.5 बीबेट पे 3.5 का आना, बोलो ये बता रहा है कि ये पूरा सर्किट बन रहा है। हेलो सलमान, यहाँ पे देखो, यहाँ 5-5 मिलने चाहिए। ये 5 वोल्टेज है जो हमारे बीबस से इन हो रहे हैं इन कैपेसिटर पे, ये 5 मिल रहे हैं, उधर जाओ ये 5 मिल रहे हैं, इधर देखो यहाँ पे 5 मिलने चाहिए, ये आईसी के अंदर का 5 इन हो रहा है ये, और ये अपना शंट रेजिस्टर है, यहाँ पे देखो 4-4 होने चाहिए। तो यहाँ पर भी वही 3.5 और यहाँ पर भी देखो 3.5, और इन दो लाइनों को हम आईसी के अंदर चेक कर सकते हैं। ये सेंस लाइन का फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अब जान दो, सेंस लाइन का फॉल्ट होता तो ये चार्जिंग एरर देता डिटेक्शन के साथ, यहाँ डिटेक्शन ही नहीं हो रहा है। हेलो, और डिटेक्शन करता है VCDT, बोलो। अब हमें बिना डायग्राम के इसका VCDT ढूंढना है, क्या ढूंढना है VCDT. जो कि हमें वो डिवाइडर रजिस्टर ढूंढना है, क्या ढूंढना चाहिए होता है। तो चलो गोलियों देखो सब लोग, थोड़ा टीवी को इधर करो, अंदर बस। अब हम यहां पर क्या करेंगे, वीवो का जाएंगे, मॉडल में जाएंगे Y81, बताइए भाई Y81 नीचे है ये, और इसके हार्डवेयर सोल्यूशन क्या देखें कि क्या चार्जर हमें कुछ देता है कि नहीं भाई, काम का है तो देखेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पे केवल ये दे रहा है थर्मल की लाइन, DPDM, BBAT, USB इन यहाँ पर, और कुछ नहीं दे रहा। इसका मतलब ये देखो, ये चार्जिंग आईसी आपकी हो रखी है, ये आपका 2 वोल्ट का सर्किट है 12 वोल्ट का, और ये आपकी चार्जिंग आईसी है, कुछ भी नहीं दे रहा। इवन ये तो ये सेंस लाइन भी नहीं बता रहा, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बिटमैप पर जाना है, और सबसे बढ़िया ट्रिक NTK का डिवाइडर सर्किट ढूंढने का, आपको बिटमैप पर जाना है, अगर बिटमैप होता है तो ठीक, नहीं तो आईसी से रिवर्स ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। मतलब आपको आईसी से रिवर्स ट्रेसिंग कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ, दोनों खोल लेता हूँ। जैसे अगर बिटमैप नहीं होता तो सर, तो हम आईसी ऑन बोर्ड में जाते, हम क्या करते, हम चार्जर के साथ यहाँ पर हर एक रजिस्टर पे 5 वोल्टेज ढूंढते, कितना वोल्टेज, और अगर वो ही निकले हुए हैं तो हम आईसी ऑन बोर्ड में जाते, और इसके अंदर हम ढूंढते VCDT, क्या ढूंढते चलिए बताओ। देखो VCDT कहीं पे लिखा होगा तो बताइएगा, इसमें हम कहीं ना कहीं VCDT लिखा होता है, VCDT ये लिखा हुआ है ये, तो ये VCDT से रिवर्स ट्रेसिंग करते हैं उल्टी। हेलो, आईसी उतार कर बाहर रजिस्टर ढूंढते, समझ में आ रहा है मेरे पास, पर अभी अपन को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास क्या है, अपने पास क्या है बिटमैप। अपन खाली क्या करेंगे, सिर्फ बीबस को टच करेंगे, बोलो बीबस को टच करेंगे, अब ध्यान दो, इस बीबस से, बोलो इस बीबस से, ये दो जगह जाएगा, ये दो जगह जाएगा, माउस लो, दो जगह जाएगा, एक तो जाएगा चार्जिंग आईसी पर, किस पर बोलो, थोड़ा जूम आउट करो, हाँ यहाँ पे देखा, यहाँ यहाँ जूम करो, ये देखो और जूम करो, हाँ थोड़ा साइड करो। अब देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि भैया अभी तो ये OBP में जा रहा है, हेलो yes, अब OBP के उधर पर क्लिक करेंगे। अब ये देखो एक ये जा रहा है चार्जिंग आईसी पर, बोलो yes, और एक जाना चाहिए किसी एक सीरीज रजिस्टर पर, मुझे बताओ सलमान जी, उसी के आसपास देखो, उसी के आसपास, पहले वहां पे कोई सीरीज रजिस्टर दिखाई दे रहा है क्या, उसी के आसपास देखो, अच्छे से देखो, देखो छोड़ो, देखो सलमान ये देखो, ये आपका 5 वोल्ट है, ये दिख रहा है, ये रजिस्टर ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर तो ये सीरीज में है ना, इधर भी देखो यहाँ रजिस्टर है क्या, नोटिस करो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आप देखोगे तो ये एक सीरीज रजिस्टर है। हेलो yes, ये रजिस्टर में देखो दो एक दूसरा रजिस्टर से जुड़ा हुआ ना yes, तो ये है R1 और ये क्या है R2, और ये जाना चाहिए ये वाला रजिस्टर का ये वाला पैड, ये जाना चाहिए VCDT पर, कहाँ जाना चाहिए बताओ, यहाँ बिटमैप लोचा दे रहा है, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अगर हम आईसी उतार कर रिवर्स ट्रेसिंग करें तो हमें पता चलेगा ये दो लाइनों को उलट फेड किया हुआ है, क्योंकि 2.8 बनता है चार्जिंग LDO में, किसमें बनता है, और 0.5, 0.7 बनता है VCDT पर, किसमें बनता है, तो हम
हम जाएंगे इस चार्जिंग आईसी के पास, ओबीपी आईसी के पास जाओ, ओबीपी आईसी के पास जाओ और आप देखो यहां जूम करो, जूम करो तो आप देखो इसका एक रजिस्टर तो लगा है पर दूसरा रजिस्टर नहीं लगा। यहां पर देखो कितना वोल्टेज बन रहा है, देखो यहाँ पर बन रहा है 2.9। हेलो सर, जबकि यहाँ पर दो रजिस्टर है भाई, यहाँ तो रजिस्टर ही नहीं है 2.9, यहाँ तो हमें एक रजिस्टर और चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रजिस्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे चलिए बताओ, ये बेसिकली एक डिवाइडर सर्किट है। क्या है चलिए बोलो, चलो देखो तो हम क्या करते हैं इसका रजिस्टर कैसे ढूंढे भाई। तो हमें कोई मीटर टेक का वो सिक्स है तो कोई सा निकालो, ये नहीं पूरा ऑन नहीं है, खाली पूरा दो ना, मुझे रजिस्टर चाहिए खाली। अब देखो यहां पर हम सिक्से खोलेंगे, सब लोग दान दो, लो सिक्से खोलो। चलो देखो दोनों देख लो अपन इसको, क्योंकि यार ये कंफ्यूज कर रहा है, ये बीसीडीटी और चार्जिंग एलडीओ दोनों में दिखा रहा हूँ, मिडमैप पे भरोसा नहीं करते। बीसीडीटी जो कि T11 पे आ रहा है ठीक है, और ये है R11 पे चार्जिंग एलडीओ। हेलो सर, आर टी बोलो, आर टी, तो आर के बाद टी आता है कि टी से पहले आ रहा है बताओ, आर के बाद। हेलो अब मैं आपको बहुत बड़ा एक अच्छी चीज बता रहा हूँ और ये आपको सीखने के लिए है, ये बोलने की बुराई नहीं है। हेलो अब मेरी बात समझो, अब अपन क्या करते हैं एक आईसी पर यहां पर मैनुअली गिनते हैं। अब यहां पर मुझे बताओ ठीक है, तो मुझे यहां से एबीसीडी करके आर टी टी पर जाओ, सही है सही है, आर टी आर टी। अब इसमें 11 नंबर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। हाँ अब नीचे करो पीसीबी सीधे करो, अब इससे एक रजिस्टर देखो कोई रजिस्टर बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा, ढूंढो जरा बजन मोड पे। हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ एक डिवाइडर सर्किट होता है। हेलो yes, जब बीसीडीटी को हम बिना डायग्राम के नहीं ढूंढ सकते हैं तो हम रिवर्स ट्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं रिवर्स ट्रेसिंग, देखो 11 नंबर से देखो कौन सा रजिस्टर कनेक्टेड है। हाँ सब जगह बीप देखो, इधर नहीं है इधर नहीं है, वेरी गुड, ये देखो ये मिल गया। अब सलमान ये बताओ क्या ये दो रजिस्टर के पेयर है ना। हेलो एक रजिस्टर है R1 है, और R1 कौन सा हुआ सलमान, R1 कौन सा हुआ, R1 ये नहीं हुआ सलमान, देखो R1 वो हुआ जो जिसपे आपके वोल्टेज आते हैं, और जो ग्राउंड होता है वो R2 होता है। हेलो R2 कौन सा हुआ, R1 ये हुआ ना। अब ध्यान दो जरा, एक मिनट, हमारा कौन सा है सलमान VCDT कौन सा पैड है, T11 बोलो, कौन सा है बोलो, और चार्जिंग एलडीओ कौन सा है, R11। अगर सलमान ऐसे गिनता समझना मेरी बात, देखो इधर उठाओ इसको सलमान, इधर देखो टी बोलो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, T11 बोलो, VCDT R11। हेलो yes, तो R11 आ रहा है दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे क्या आ रहा है, हेलो yes, अब ये देखो इसका बोलियो देखो चार्जिंग लिखा, हाँ वहां उल्टा लिखा हुआ है, मैं यही बताने की कोशिश में हूँ। तो हम यहाँ पर वीवो का आईसी ऑन बोर्ड पे जाएंगे। अब देखो ये लोस कट पॉइंट है, हेलो yes, तो ये हो गया R और ये हो गया T. भाई ये सफेद वाला क्या हो गया T और ये क्या हो गया R, और जबकि यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कैसा है VCDT है R11 पे। हेलो yes, मतलब हमारी जो लाइन ओपन है वो एक्चुअली में VCDT की है। हेलो yes, पर बोर्डियों ने गलत छापा है। हेलो yes, बोलो yes, गलत छापा, ये चीज कौन कौन मानता है चलिए बताओ, क्लियर हुई yes, सलमान yes, बोर्डियों ने क्या किया है, घुमा दिया है भैया, इतने गलत छापा है, VCDT यहाँ लिखना चाहिए और चार्जिंग LDO यहाँ, क्योंकि ये लाइन है R और ये लाइन है T, तो मतलब हमारा VCDT का लाइन ओपन है, किसका ओपन है सलमान, यहाँ पर ये डायग्राम ये दिखाओ, ये देखो हमारा यहाँ पर ये वाला रजिस्टर नहीं आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, और अगर हम बिटमैप पे जाएं, बोलो अगर हम बिटमैप पे जाएं, तो इस रजिस्टर से हमारा कनेक्टेड है टी वाला पैड का, कौन से वाले पैड का, हेलो
मतलब हमको सलमान क्या खाली यहाँ पर क्या चाहिए R2 क्या चाहिए R2 6 6 से निकाल लो 6 6 से निकाल लो सलमान और वहां लगाओ लगा अभी 6 6 से तो तुमने चेक किया मैं और दिखा देता हूँ देखो पावर आईसी पर जाओ हाँ नीचे करो देखो सलमान ये R2 देख गया ना ग्राउंड से वेरी गुड देखा बोर्नियो कितना घुमा सकता है हेलो मतलब बिटमैप भी गलत हो सकता है और आईसी ऑन बोर्ड और हार्डवेयर सोल्यूशन आधा अधूरा हेलो वही सेम कंडीशन बोर्ड को ठंडा करेंगे और पहले चार्जर लगा के देखेंगे कुछ लोगो या कुछ भी दिखाई दे रहा है अगर दे रहा है तो सक्सेस है और अगर दे दिया तो फिर वोल्टेज भी दिखेंगे कि वहां पे वोल्टेज कितने बने हेलो उसकी वजह से काम हुआ है और नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कि क्या है और यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे सर अगर हमारा डिवाइडर का सर्किट है तो सीधे 6A से निकाल लेना डिवाइडर का सर्किट और अगर नहीं पता करें तो आप सेम कंडीशन यहाँ से डीसी सप्लाई मशीन से डायरेक्ट वोल्टेज डालना हेलो चार्जर लगा के समझ रहे मेरी बात 0.6, 0.7, 0.8 जिस भी उसमें ले लिया उतने का ही डिवाइडर डालना है उतने का डिवाइडर फॉर्मूला बना लेना है R1 R2 करके अब हम बैटरी में लगाए मतलब अपना फोन को कनेक्ट करेंगे और अपना एम्पियर दिखाओ यहाँ से तो देखो यहाँ पे जूम करना अब हम ये एम्पियर दिखा रहे हैं साथ में देख रहे हैं कि कोई हमें लोगो या कुछ भी शो होता है कि नहीं बैटरी लगाकर फिलहाल अभी हमने सिर्फ एक रजिस्टर डाला है और सही तरीके से विदाउट बोर्नियो की हेल्प से हेलो बोर्नियो की हेल्प से करते तो अब तक तो काम खराब हो जाता है ना क्योंकि गलत हो जाता क्योंकि वो तो अपना ट्रैक ही बदल दे रहा है पूरा अब यहाँ पर हम देखेंगे पहले हमें 0-0 लेना था अभी 0.60 ले लिया हेलो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे को लोगो आना चाहिए वेट करो लोगो आना चाहिए हमारा ये देखो लोगो आ गया हमारा किस किस को समझ में आया हेलो आया समझ में दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम जो आपको देगा आपके काम की गारंटी अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए हम आपको देंगे गारंटी वर्क 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर ये आपसे वादा है
एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से